से लेके ऊपर तक पैसा जाता है इन लोगों का। यहाँ जो ड्रग्स इंस्पेक्टर है वो तो दुनिया का सबसे बड़ा डकैत है। इन लोगों को तो जीने में फांसी देने की जरूरत है, ड्रग्स इंस्पेक्टर और को। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। जहां एक तरफ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां पर अस्पताल में 65 लोगों के आंखों का ऑपरेशन किया जाता है और उन सभी के आंखों की रोशनी चली जाती है, जिसके बाद लगातार बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिहार के अस्पतालों की व्यवस्था इतनी लचर क्यों है, किस तरह से जनता के जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ऐसे में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने उन सभी वृद्ध महिलाओं से बातचीत की, उनसे मुलाकात की जिनके आंखों की रोशनी चली गई है। इतना ही नहीं, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की तरफ से उन वृद्ध महिलाओं को मुआवजा भी दिया गया और साथ ही साथ पप्पू यादव ने जमकर सीएम नीतीश कुमार और उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। तो ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिस डॉक्टर की नियुक्ति की जाती है उसी की तरफ से एक दिन में 65 ऑपरेशन किए जाते हैं, जिसके बाद नतीजा ये सामने आता है कि उन सभी की आंखों की रोशनी छिन जाती है। क्या कुछ कहना है जॉब सुप्रीमो पप्पू यादव का, किस तरह से उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, पहले आप उनके ऊपर तक पैसा जाता है इन लोगों का। यहाँ जो ड्रग्स इंस्पेक्टर है वो तो दुनिया का सबसे बड़ा डकैत है। इन लोगों को तो जीने में फांसी देने की जरूरत है, ड्रग्स इंस्पेक्टर और को। जो अच्छे डॉक्टर हैं उसकी कुछ चलती नहीं है, कुकुर मुत्ते के तरह पूरा का पूरा नर्सिंग होम, फर्जी नर्सिंग होम खुल गया। आप बोर्ड लगा दिए, एमडी है कि नहीं, कौन है, कौन डॉक्टर है, बोर्ड लगा दिए, बात खत्म हो गई। तो पूरी जांच बैठनी चाहिए बिहार के कि अब पटना में बाईपास में फर्जी नर्सिंग होम का अंबार, दो ठो माफिया पैसा लगाता है, चार ठो टेक्नीशियन उसमें होता है, वो टेक्नीशियन फर्जी पढ़ा लिखल लगभग मध्य प्रदेश कहां कहां से। अब बात खत्म हो गई, तो हम इंक्वायरी की मांग करते हैं, सीबीआई इंक्वायरी की। दो तीन बातें बहुत क्लियर है, ये लगभग फर्जी नर्सिंग होम, अब फर्जी डॉक्टर, मैं उस नर्सिंग होम की बात नहीं करता हूं, लगभग इन नर्सिंग होमों में कोई न कोई एनजीओ या किसी न किसी बड़े माफियाओं का, नेताओं का पैसा इन्वॉल्व, ये आप समझ। कोरोना काल में भी यही हुआ, मेरी लड़ाई इसीलिए हुई, सबसे चिमकी बुखार डेंगू की स्थिति भी यहाँ पर वही होती है। कोरोना काल में भी जितने फर्जी नर्सिंग होम थे सबने मनमानी करके लूटा। अब जो हालात, कितने पेशेंट हमको डेली देखना है, ऑपरेशन तो कम करना है, देखना कितना है, ऑपरेट इतना नहीं करना है, 28 और, लेकिन हम एक मिनट भी किसी पेशेंट को देखने में नहीं लगाते, बस हो गया, 10,000 की दवाई लिख दो, 20,000 की जांच लिख दो,
और फिर बता दें ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला बिहार से सामने आया, जहां पर एक साथ 65 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई। इतना ही नहीं, जिस तरह से अस्पताल में लापरवाही की गई है, इससे लोगों का गुस्सा भी अब देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने उन सभी लोगों से मुलाकात की जिनके आंखों का ऑपरेशन हुआ है। बता दें कि सभी के आंखों की रोशनी तो गई ही है, साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों को भी जो है निकालना पड़ा। और यही वजह है कि अब विपक्ष की तरफ से सीएम नीतीश कुमार और उनके अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की लापरवाही अस्पताल में देखने को मिली है, लेकिन ये चौंकाने वाला मामला था कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिस डॉक्टर की बहाली की जाती है उसी की तरफ से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता। और यही वजह है कि अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। देखने वाली बात होती है कि अब इस आरोपों के बाद बिहार की सरकार क्या कुछ कदम उठाती है और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से किस तरह से कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस वक्त ये बड़ा आरोप जॉब सुप्रीमो पप्पू यादव की तरफ से, जिसमें सीधे उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग रखी है। फिलहाल के लिए इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।